सुपौल में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नगर परिषद की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगर परिषद और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सुपौल शहर में 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध होंगे। इस कैमरे का उद्घाटन मंगलवार को कोसी रेंज के DIG मनोज कुमार, सुपौल DM कौशल कुमार और SP ने किया, और इस दौरान DIG ने कहा कि यह पहल विशेष रूप से व्यवसायियों, महिलाओं और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए की गई है। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर इन कैमरों की स्थापना नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा के प्रयासों से हुई है, ताकि पुलिस प्रशासन हर जगह पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे। और DIG ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के पुराने भवन से सभी CCTV कैमरे की निगरानी होगी। यहाँ इसके लिए पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। जैसा कि सर ने बताया, CCTV एक तीसरी आंख की तरह काम करता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग शहर में हर एक पॉइंट पे क्या गतिविधि हो रही है उस पर नजर रख सकते हैं। उससे क्राइम कंट्रोल करने में, जो क्राइम करने में लोग कर सकते हैं, उसको भी भय रहेगा कि क्राइम ना करेगा तो CCTV जब में आ जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल काफ़ी अच्छे से होगा, साथ ही साथ व्यापारी के मन में एक सुरक्षा की भावना डेवलप होगी, कि क्योंकि अगर अपराधी लोग इससे डर से रहेंगे कि हम बातचीत किए जा सकते हैं तो अपराध नहीं। बहुत खुशी की बात है और ये जिला प्रशासन और नगर परिषद विशेष करके सुरक्षा के लेकर के जो कदम उठाए जा सकते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्राइम कंट्रोल में कितना इसका लाभ मिलेगा सर? न केवल क्राइम कंट्रोल बल्कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, और हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां हैं, स्कूल जाने वाले और व्यापार करने वाले जो लोग, सभी को एक सुकून मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, ये इसको तीसरी आंख आप बोल सकते हैं। वो सरकारी कर्मी हो या पुलिस कर्मी हो जो ड्यूटी पर हैं, उन पर भी ये नज़र रखेगा, देखा जा सकता है कि कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे लोग सब विधायक कर रहे हैं।